इधर देखो, हम जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो ट्रेन यानी ट्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, यानी रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न। सबसे पहले आपको दो चीज़ याद रखनी होगी, यानी अगर 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, किस में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे, तो इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में। तो इस देखो, चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है और इस चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप सदैव 5/18 से गुणा करोगे। किससे गुणा करोगे, 5/18 से गुणा करोगे, ठीक है। जैसे मैंने बोला, एग्जांपल सुनना आप पहले, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एक रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। एक रेलगाड़ी की चाल है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। यही प्रश्न था, इस चाल को किस में बदलना है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। इस चाल को मीटर प्रति सेकंड में बदलिए। जैसे मान लीजिए मैंने ये प्रश्न लिखा, अब इसको कैसे हल करेंगे। मैंने आपको बताया था कि चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है और अगर उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो आप किससे गुणा करोगे, 5/18। यानी मैंने लिखा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब इस किलोमीटर प्रति घंटे के जगह मुझे 5/18 लिखना होगा, तो ये ऐसा हो जाएगा 72 × 5/18। क्लियर हो गया, 18 से काटेंगे, 18 × 18, 18 × 4 = 72, 4 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आ गया, 20। और अब ये आंसर लिखेंगे 20 मीटर प्रति सेकंड। क्लियर हो गया। अब देखिए, ये तो आपने समझ में आ गया कि ये 20 मीटर प्रति सेकंड आ गया, लेकिन आपके माइंड में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैंने 5/18 से ही क्यों गुणा किया, यही चल रहा है ना। चलो इस प्रश्न का जवाब भी मैं आपको देता हूँ। देखिए भाई, आपको ये लग रहा होगा कि मैंने 5/18 से क्यों गुणा किया, ऐसा क्या कारण है, तो देखिए मैं आपको बताता हूँ। मैंने लिखा यहाँ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या लिखा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, कितना होता है, 1000 मीटर। तो मैंने लिखा 72 × 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में कितना होता है, 1000 मीटर, इसलिए मैंने लिखा 72 × 1000। क्लियर हो गया। अब देखिए, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, कितना मिनट होता है, 60 मिनट, तो ये लिखा मैंने 60, और वापस 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है, इसलिए मैंने लिखा 60। 1 0 से मैंने 1 0 को काटा, अब इस 1 0 से मैंने 1 0 काटा, 6 से अगर मैं काटूंगा तो 6 × 6 = 12, फिर वापस 6 से काटूंगा 6 × 12, 2 को 10 से गुणा करूंगा, कितना आ जाएगा, 20 मीटर प्रति सेकंड। हो गया क्लियर। अब मैंने 5/18 क्यों लिखा, इसका रीजन बता देता हूँ। मैंने लिखा 1 किलोमीटर / 1 घंटा, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, कितना होता है, 1000 मीटर, ये लिखा मैंने 1000 मीटर, और 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो ये 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, तो ये 60 सेकंड, तो यहाँ मैंने लिखा सेकंड, यानी मिनट को मैंने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। देखो, 1 0 से मैंने 1 0 काटा, फिर 1 0 से मैंने 1 0 काटा, फिर 2 से काटा, 2 × 5 = 10, और 2 × 3 = 6, 6 को 3 से गुणा करो 18, और ऊपर आ जाएगा 5/18, तो ये आ गया 5/18 मीटर प्रति सेकेंड। आगे समझ में, यानी आपके दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा दे रखे हैं और उस चाल को मीटर प्रति सेकंड बदलना है, तो आप सदैव 5/18 से ही गुणा करेंगे। शॉर्ट पैटर्न वही होगा। हो गया क्लियर, कॉपी कर लीजिए एक बार। दूसरा प्रश्न समझने की कोशिश करना। मैं लिखा, एक कार जिसकी चाल
144 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इस कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? इस कार की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? चलो बताओ देख कितनी होगी। आपको दे रखा है कि एक कार जिसकी चाल है 144 किलोमीटर प्रति घंटा, अब आपसे पूछ लिया जाए कितने? 40। चलो चेक करते हैं कि आपका आंसर तो 40 आया, सभी का आंसर आगे के 40, चेक करते हैं। मैंने लिखा 144 और यहाँ लिखा किलोमीटर प्रति घंटा। भाई आपको किलोमीटर प्रति घंटा नजर आ रहा है तो आप किससे गुणा करोगे? 5/18 से। किससे गुणा करोगे? 5/18 से। तो अपने पास आ जाएगा 144 × 5/18। 18 से काटेंगे ये 8 बार कटेगा, कितने बार कटेगा? 8 बार। और 8 को 5 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 40। तो इसका आंसर हो जाएगा 40 मीटर प्रति सेकंड। बिल्कुल सही आंसर है आपका, हो गया क्लियर? आ गया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते इसी का पैटर्न। मैंने लिखा एक रेलगाड़ी, हाँ उतार लीजिए आप, एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी? एक रेलगाड़ी जिसकी चाल दे रखी है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या दे रखी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। आपसे पूछ लिया जा रहा है कि तो रेलगाड़ी की चाल मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। अब देखिए इस प्रश्न को अपन कैसे हल करेंगे, एक चीज फोकस करो। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल क्या दे रखी है? 108 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हमने यहाँ लिखा 108, ठीक है, इनटू, अब इसको किससे गुणा करेंगे भाई? 5/18 से। डायरेक्ट गुणा करना सीख जाओ आप 5/18 से। 18 से काटेंगे, कितने बार कटेगा? 6 बार कटेगा। कितने बार कटेगा? 6 बार कटेगा। 6 को 5 से गुणा करेंगे, 6×5=30, आंसर आ जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। कितना आ जाएगा? 30 मीटर प्रति सेकंड। आगे समझ में? अब देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनको ये बड़ी संख्या काटना नहीं आता है, उनके लिए मैं आसान पैटर्न बता रहा हूँ। मैंने लिखा 108 × 5/18, आप 2 से काट दो, 2×9=18, 2 से काटो 2×5=10 और 2×6=8, वापस 9 के पावड़े में 54 आता है क्या? बिल्कुल, 9×1=9 और 9×6=54, इसको आप इससे गुणा कर लो तो 30 मीटर प्रति सेकंड। आप ऐसे भी कर सकते हो, जरूरी नहीं कि 18 का टेबल आपको आए, अगर नहीं आ रहा है तो आप 2 से भी काट सकते हो या 3 से भी काट सकते हो। आगे समझ में? कर लीजिए कॉपी इसकी। के इसका स्टेप टाइप नंबर 2 की बात कर लेते हैं ना, वो टाइप नंबर 1 था, अब टाइप नंबर 2। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है, किस में दे रखा है? चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है। यदि चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है तो उस चाल को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलिए। देखिए ये प्रश्न आ सकता है, कोई भी चाल अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में दे रखा है और उसी चाल को आपको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो क्या करेंगे? देखिए आपको दो चीज़ याद रखना पड़ेगा। इधर देखो,
हमने अभी सीखा था किलोमीटर प्रति घंटा, यही सीखा था ना। तो किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना था, तो आप किससे गुणा कर रहे थे? 5/18। बिल्कुल, आप गुणा कर रहे थे 5/18 से। किससे गुणा कर रहे थे? 5/18 से। यानी अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटा है और अगर उसी चाल को हम मीटर प्रति सेकंड बदलेंगे तो आपको मल्टीप्लाई करना होगा 5/18 से। अब मैं उल्टा पढ़ता हूँ, उल्टा पढ़ता हूँ यानी इस मीटर प्रति सेकंड को, अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी, किस में दे रखी है? और आप इस चाल को बदलोगे किलोमीटर प्रति घंटे में, किस में बदलोगे? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो आपको गुणा करना पड़ेगा 18/5 से। किससे गुणा करना पड़ेगा? 18/5 से। अब एग्जाम में कैसे याद रखेंगे? सब कुछ समझ में आ गया, लेकिन अब कन्फ्यूजन की स्थिति आ गई कि यार 5/18 से गुणा करेंगे या 18/5 से गुणा करेंगे, ये भी मैं आपको देखना सुनना। किलोमीटर प्रति घंटा आता है तो देखो के और एम, इसमें आपको दो अक्षर नजर आ रहे हैं, के और एम आ रहे ना। देखो के और एम दो आ रहे हैं ना इसके अंदर, और एच के अंदर क्या नजर आ रहा है आपको? एक के नजर आ रहा है। तो जब दो नजर आ रहे हैं ना तो छोटी संख्या से गुणा करना है। देखो 5 और 18 में छोटा कौन है? तो जहां किलोमीटर प्रति घंटा लिखा आ जाए उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किससे गुणा करोगे? 5/18 से। आ गया समझ में? अब देखिए मैंने लिखा मीटर प्रति सेकंड, क्या लिखा? अब देखो मीटर में तो एक ही है और सेकंड में 1, 2, 3 है, तीन अक्षर है यहां पर और यहां पर तो एक ही है। तो जब मीटर तो छोटा रहा ना, इसको बड़ी संख्या से गुणा करेंगे तो बड़ा मान कौन सा हो जाएगा? 18/5। हो गया ना कवर? आगे सभी को समझ में? चलो उतार लीजिए एक बार आप इसे भी। अब अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है? तो लिखिए आप क्वेश्चन, अब स्टार्ट हो रहा मेन, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, वो तो बेसिक जो नॉर्मल नॉलेज थी वो थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखना, लिखो क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी? सुनना आप, एक रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर है, पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी जबकि रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। देखो एग्जाम में ये प्रश्न आएगा, तो आपको इस प्रश्न का जवाब कितने चतुराई से और कितना तेज देना होगा मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूरा एक तरीका बता रहा हूँ, बेसिक तरीका बताऊंगा और एक शॉर्ट पैटर्न बताऊंगा, ठीक है। इस तरह से मैंने प्रश्न को दो भागों में डिवाइड कर लिया, एक शॉर्ट पैटर्न चलेगा और एक बेसिक पैटर्न चलेगा। बेसिक आना बहुत ज़रूरी है और उतना ज़्यादा ज़रूरी है शॉर्ट पैटर्न। एक रेलगाड़ी की लंबाई आपको 300 मीटर दे रखी है, तो देखिए भाई मैंने आपको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर मैंने रेलगाड़ी बना दी। मान लीजिए मैंने ये रेलगाड़ी ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये रेलगाड़ी बना दी और इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 300 मीटर। तो ये लिख दिया मैंने 300 मीटर। आगे सभी को समझ में? अब सुनना, पटरी के किनारे खड़े व्यक्ति को पार करती मान लीजिए रेलगाड़ी आगे जा रही, यू जा रही है, और रेलगाड़ी की चाल आपको क्या दे रखी है? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये लिखा मैंने चाल बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा। भाई आगे भाग रही है ना ये, तो आगे भाग रही है तो चाल तो आगे रहेगा, इंजन तो आगे की तरफ रहेगा, तो ये इंजन है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसने व्यक्ति को पार किया तो व्यक्ति को यहां मैंने खड़ा कर दिया, ये व्यक्ति है। हो गया क्लियर?
अब तो व्यक्ति है ना, आ रहा समझ में? तो रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को पार किया, तो रेलगाड़ी ने व्यक्ति को पार किया। अब व्यक्ति कितना मोटा है हो सकता है? 500 मीटर तो मोटा नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो व्यक्ति को जब भी पार करता ना, तो दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। जैसे मान लीजिए इस मार्कर को देखो आप, इसको रेल समझ लो, यहाँ से रेलगाड़ी आई, यहाँ से आई, यहाँ से आई और इसको पार किया, तो पार करने के लिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय की, इसको बोलते हैं रेल की लंबाई। क्या बोलेंगे? रेल की लंबाई। तो चाल बराबर, आपको एक पैटर्न याद रखना होगा, चाल बराबर होगा दूरी बटे हुए समय। क्या होगा? दूरी बटे हुए समय। अब दूरी आपको क्या दे रखी है? 300 मीटर, तो ये लिखा मैंने 300 मीटर, क्लियर हो गया। और समय आपको पता नहीं है, लेकिन रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटा इक्वस टू 300 मीटर अपॉन t समय। अब देखिए ये तो मीटर में है और ये किस में है? तो आप किसके किससे गुणा करोगे? 5/18 से। देखो रटो नहीं, 72 k और m दो आ रहा ना, इसको आप छोटी संख्या 5 से गुणा करो, 5/18, ठीक है। बराबर यहाँ लिखा मैंने 300/t, देखिए 18 से काटेंगे, 18 चौके 72, चारों पंजे 20, ये 20 को नीचे भेज दो, टी इधर आ जाएगा, तो टी की वैल्यू आ जाएगी 300/20, यानी कितना समय लेगी? 15 सेकेंड। समय सदैव सेकेंड में ही रहेगा, तो 15 सेकेंड में रेलगाड़ी उस व्यक्ति को पार करेगी। देखो एक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दे रखी है आपको? 300 मीटर। तो आपको दे रखा है रेलगाड़ी की लंबाई कितना दे रखा है आपको? 300 मीटर दे रखा है। आपको चाल कितनी दे रखी है? चाल दे रखी है 72। तो आप लंबाई में चाल का डिवाइड कर दो, इससे आपके पास समय निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? यानी लंबाई दे रखी है उसमें चाल का डिवाइड कर दो, समय निकल जाए। तो चाल हमें दे रखी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप इसको किससे गुणा करोगे? 5/18 से। तो अपने पास आ जाएगा 372 × 5/18, 18 से काटोगे 4 बार 4 5 20, 300/20, ये आ गया 15 सेकेंड। आ गया समझ में? हो गया क्लियर? चलो इसकी भी शॉर्ट पैटर्न भी कॉपी कर लो आप साथ के साथ। प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न संख्या 2 लिखो आप क्वेश्चन। एक रेलगाड़ी जिसकी चाल 40 मीटर प्रति सेकंड है, यदि रेल की लंबाई 180 मीटर है, तो पटरी के किनारे खड़े सिग्नल को कितने समय में पार करेगी? पटरी किनारे खड़े सिग्नल को कितने समय में पार करेगी? देखना आपको दे रखा है कि एक रेलगाड़ी जिसकी चाल दे रखी है, आपको चाल क्या दे रखी है? बिल्कुल। तो मैंने यहाँ लिखा चाल बराबर, ये पैटर्न याद रखना, दूरी बटे हुए समय। आपको समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? तो समय तो ऊपर आ जाएगा, चाल नीचे चला जाएगा। तो देखिए यहाँ से समय बराबर हो जाएगा दूरी बटे हुए चाल, ये पैटर्न तो आप याद रख लेना, ठीक है। दूरी आपको रेलगाड़ी की लंबाई ही लेना है, क्योंकि रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? सिग्नल को पार कर रही है। किसको पार कर रही है? सिग्नल को पार कर रही है। तो यहाँ पर आ जाएगा दूरी, तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या दे रखी है आपको? 180 मीटर, और चाल क्या दे रखी है? 40 मीटर, और ये सेकेंड ऊपर चला गया। देखो भाई यहाँ सेकेंड सेट किन आ रहा है, तो अब आपको बदलना नहीं है। क्यों नहीं बदलना? क्योंकि समय का मान तो सेकंड में आता है। देखो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया। अब ऐसा नहीं 18/5 से गुणा कर दो इसको, गुणा नहीं करना, क्योंकि ऊपर मीटर है नीचे मीटर आ गया, ठीक है। अब 10 से 10, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, 2 बचेगा 4 5 20, तो समय कितना लगेगा? 4.5 सेकेंड। आ गया समझ में?
कॉपी करो, अगर ये किलोमीटर प्रति घंटे में होता है, ये मीटर में होता तो हम चेंज करेंगे, हो गया क्लियर। और अगर ये मीटर में है तो ये मीटर आ गया, तो फिर अपन को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना होगा। उतार लीजिएगा, हो गया क्लियर। जब रेलगाड़ी पुल सुरंग प्लेटफॉर्म, पुल बोलो, सुरंग बोलो, प्लेटफॉर्म बोलो, या कोई बड़ा नाला है, ठीक है उसको बोलो, तो जब रेलगाड़ी पुल सुरंग प्लेटफॉर्म को पार कर देगी, को पार करेगी, तब रेलगाड़ी कितने दूरी, तब रेलगाड़ी की ते दूरी ज्ञात करेंगे, ठीक है। इधर देख लीजिएगा, ये मैंने पुल ड्रॉ कर दिया, इसको मैंने पुल बोला है। अब सुनना, इस मार्कर को आप रेल समझ लो, रेलगाड़ी आया है यहाँ से हॉर्न देती हुई, यहाँ ये चल रही है, चल रही है ना, क्या इसको पार कर गई क्या? नहीं करी ना, अब कर गई ना, आगे निकल गई। इसका मतलब रेलगाड़ी ने यहाँ से दूरी स्टार्ट की और यहाँ से लेकर यहाँ तक चली, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक तो ये पुल की लंबाई है, और फिर रेलगाड़ी आगे चली यहाँ तक, तो ये रेल की लंबाई है। तो जब भी रेलगाड़ी पुल को पार करती है, सुरंग को पार करती है, या प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो इस स्थिति में दूरी दोनों की जुड़ जाएगी, दूरी बराबर होगी पुल की लंबाई, और इसमें जोड़ना पड़ेगा रेल की लंबाई का। हो गया क्लियर, उतार लीजिए ये भी क्वेश्चन। रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर है, ये 200 मीटर लंबे पुल को, ये 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, कितने समय में पार करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई 400 मीटर, ये 200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी, जबकि रेल की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि रेल की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। देखिए, रेलगाड़ी की लंबाई क्या दे रखी है आपको, 400 मीटर, पुल की लंबाई क्या दे रखी है, 200 मीटर। तो पहले मैं पुल बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, पुल। तो ये लिखा मैंने पुल, और इस पुल की लंबाई कितनी है, 200 मीटर, ये लिखा मैंने 200 मीटर, और इसको पार करेगी कौन, रेलगाड़ी, तो प्लस का चिन्ह लगा देना है, और यहाँ रेल की लंबाई कितनी है, तो ये लिखा रेलगाड़ी, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है,
अब दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह आ रहा ना, तो हम इन दोनों को जोड़ लेते, 400 200 कितना हो गया 600। तो आपके पास दूरी कितनी आ गई, 600 मीटर आ गई। दूरी कितनी आ गई, 600 मीटर। अब सुनना, दूरी तो अपने पास 600 मीटर आ गई, आपको रेलगाड़ी की चाल क्या दे रखी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए आपको चाल दे रखा है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये लिखा मैंने 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ मुझे, समय ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, तो आप दूरी में चाल का डिवाइड करोगे, दूरी में किसका डिवाइड करोगे, तो दूरी है हमारे पास में 600 मीटर, और चाल हो जाएगी मेरे पास 54 × 5/18। ये देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, इसलिए 5/18 लिखा मैंने। तो ये देखिए, इसको ऊपर नहीं लिखकर आप यहाँ पर भी लिख सकते हो। अब आ गया मीटर प्रति सेकंड, तो मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो गया, और 15 × 60, ये 40 सेकंड का समय लगेगा। आ गया समझ में, उतार लीजिएगा ये देखो।